जबरदस्त जबरदस्त, यानी प्योर क्वालिटी की पहचान जो है ये आपको हो चुकी है कि ये कितनी प्योर क्वालिटी है। इसको हमने दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा इसे मारा नीचे। ये दोबारा देखिए, मैं इसको नीचे फेंक सकता हूँ? हाँ, ये ज़बरदस्त यार। ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो घर का पी ट्रैप है, ताकि घर के अंदर स्मेल ना आए। ये हमारे पास जो वाइट पाइप है, ये हमने अंडरग्राउंड लगाना है, तो इसमें यानी साइज कौन से अवेलेबल है आपके पास? अमूमन वाशरूम में देखा जाता है कि वाशरूम के नीचे वाली साइड पे जो हम वायरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर पाइप कौन सा यूज़ होता है, 3 इंच का या 4 इंच का? अच्छा, जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके लिए कोई पैगाम या इनके लिए कोई स्पेशल की बात ये है कि दूसरी कंपनियों से हमारे पाइप सस्ते हैं। ठीक है, काफ़ी सस्ते हैं। सेवरेज के पाइप हैं ये भी थोड़े, ये हम लोग मंगवा रहे हैं गुदून इंडस्ट्री, वाटरटेक कंपनी का है, वाटरटेक। ठीक है, वाटरटेक के ये पाइप है, यानी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये प्योर मटेरियल है, जो आपने ये तोड़ के दिखाई है यही पाइप है? ये वही है, वहीं से मैंने यही से उठाया ना जी। बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं देख रहा था, ये बिल्कुल वही चीज़ है। सऊदीया में हम लोग भी काम करवाते रहे हैं, ठीक है, उसमें यही क्वालिटी इस्तेमाल होती है। इनको 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 जो घिरे होता है ना, ये आउटडोर लगाते हैं, ये ज़्यादा प्योर होता है। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अल वलीद एसोसिएट की जानिब से मैं हूँ वलीद पाशा, और आज लेके आए हैं एक हम सेंट्री की जो शॉप है। सर, ये जो पाइप जो आपके पास कंपनी है, ये किस कंपनी के पाइप? ये नेप्रो है। नेप्रो में दो क्वालिटी हैं, एक PN16, एक PN20, PN16 और PN20। ठीक है, PN अच्छा, ये सबसे पहले ये बताए ना कि जो PN का क्या मतलब है, यानी PN16 और PN20 डिफरेंस क्या है इसमें? ये PN जो है ना, ये होता है एक स्टैंडर्ड होता है, बार प्रेशर बार होता है। ठीक है, ये एक इसके अंदर जो है ना, हाँ, इसके अंदर पानी का एक जो होता है ना प्रेशर बनता है, प्रेशर उसको PN बोलते हैं। ठीक है, ये PN16 जो होता है ना, वो ठंडे पानी का होता है। ठीक है, कूल वाटर के लिए और उसकी वायरिंग के लिए PN16। प्लम्बर लोग क्या करते हैं, प्लम्बरों को ये भी नहीं पता PN16 कौन सा है, PN20 क्या चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो नई बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना जी, बस वो कहते हैं जी, जो प्लम्बर कहेगा हम वो सामान लेंगे, वो जो बचत वाली साइड पे जाते हैं, बचत वाली साइड पे जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये पूरे घर की ना असास होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये लीकेज कोई अगर आप माल पूरी मार्केट में भरें स्टैंप लगाने से नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, जब माल प्योर मटेरियल का होगा ना, तो वो घर की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। सही है। अच्छा, ये PN16 ठंडे पानी का है। ठीक है, PN20 गर्म पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो, जिसको हम पंजाबी में ये बोलते हैं, ये हौला पाइप है, ये भारा पाइप है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, हौला पाइप लगा देंगे ने घर नू, बाद तुसी तस्वीर मेरी देखी है, पूरे घर जो वही आपने दिखाई जो बाहर वाली साइड में, यानी वो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग को थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो बिल्डिंग तो बेकार हो गई, बेकार हो गई। फिर सर्दियां आंदियां ने ना, जब गीजर चलते हैं ना, गीजर के अंदर स्टीम पैदा होती है। बिल्कुल, जो स्टीम पैदा होती है ना, टूटियां बंद होती हैं, बिप का बंद होते हैं। बिल्कुल, उस बंद होने की वजह ना इसके अंदर स्टीम पैदा होती है, एक जोड़ खोल जाते हैं। बिल्कुल, जोड़ इस वजह से करके गर्म पानी वास्ते PN, ये वैसे एंगल की ना, जो ये टेक्निकल बात है, ये PN20 लगाना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जो नया पाइप है ये है, ये अक्वा प्लास्ट है, ये ठीक है, ये देखें, ये उन्होंने क्या किया है, इस झंझट से बचने के लिए ना, उन्होंने इसको PN20 बना दिया, PN25 बना दिया। ये एक ही पाइप गर्म को और ठंडे को लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा है, इसके अंदर इंसुलेटेड है, ये तुर्क टेक्नोलॉजी है। अब ये इंसुलेटेड है ना, फाइबर है, ये फाइबर अंदर से इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है। सर्दियों में बाहर की दीवारें ठंडी होंगी, हाँ बाहर की दीवारें ठंडी होंगी, अंदर पानी गर्म रहेगा, और जो गीज़र होते हैं वो जल्दी ट्रिप हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक की सेविंग, गैस की सेविंग। अच्छा, जब गर्मियाँ होंगी, बाहर की साइड जो होती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन अंदर पानी ठंडा रहेगा। सही, ये पाइप PN25, यानी इस तरह कह लें कि जो एक चाय वाला थर्मस है, अंदर का टेम्परेचर वही रहता है लेकिन बाहर टेम्परेचर चेंज होता है। सेम लाइक ये सही, ये उन्होंने अब नेप्रो में क्या है, नेप्रो में PN16 ठंडे पानी का है, PN20 गर्म पानी का है। बिल्कुल, ये और ये 25 PN25 निकाला है, PN25 है उन्होंने निकाला है, ये गरम ठंडे को इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक ही जो पाइप है ये गरम ठंडे को लगता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है, ये PN25 लिखा है, ये यूज़ फॉर
हॉट एंड कूल्ड वाटर, कूल्ड वाटर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बाय तुर्की। ये तुर्किश, ये तुर्किश है ना टेक्नोलॉजी जी जी। ये ISO अवार्ड याफ्ता है जी जी। नेप्रो भी अच्छी क्वालिटी है, ये भी अच्छी क्वालिटी है। चूज करते हैं भाई, हमने नेप्रो लेना है ओके, हमने अक्वा लेना है, ये उनकी मर्जी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई आप ना अगर सेविंग करनी है ना तो फिर आप ना ठंडे पानी गर्म पानी वाला पाइप एक ही लगाएं, एक ही लगाएं। ये इस नेप्रो से ये सस्ता है। अच्छा, अक्वा का, अक्वा का सस्ता है ठीक है। बिल अगर अच्छा, अब आप बाहर है कोई भी दूसरी कंपनी है जी, दो तीन कंपनियां हैं मशहूर कंपनियां, बिल्कुल बिल्कुल हैं, उनका बिल बनवा लें ठीक है, और हमारा बिल बनवा लें इसका ठीक है, फ़र्क कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल 2% 3% भी नहीं है फ़र्क। सही, यानी अगर हमारी वीडियो देख के कोई बंदा आपसे खरीदना चाहे तो उसके लिए कोई डिस्काउंट कर देंगे? डिस्काउंट ये है कि इंशाल्लाह हम लोग ने एक ही रेट रखा हुआ है, सीधी एक ही रेट है ठीक है, और नॉर्मल है ठीक, 2-3% मार्केट से सस्ता मिलना चाहिए लोगों को, 2-3% पे हम लोग काम कर रहे हैं ठीक हो गया। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो ये आपने पाइप दिखाया अक्वा का या दूसरा कौन सा था, नेप्रो का, हाँ जी, तो इसमें साइज आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? इसमें जो इनसाइड वायरिंग होती है ना जी जी, वो PN20 होती है ठीक है, और जो लाइनें होती हैं वो वो होती हैं 25 और 32 होती हैं ठीक है, और जो मेन लाइनें होती टैंकी की हो जाती हैं वो 40 एम एम होती है, यानी 40 से 53 एम एम, 50-63 और हमारे पास 75 तक पैप पड़ा हुआ है ठीक है, हमारे पास 75 तक पैप पड़ा हुआ है सही है। लेकिन जो बड़ी बड़े घर होते हैं दो कनाल के तीन के, वहाँ पे 70, 75 या 63 की लाइनें उतारनी होती है, लेकिन हम 5 मरले 10 मरले में 40 mm की टैंकी से टैंक उतार लें, यानी 40 mm इज़ इनफ है, इनफ इनफ है ठीक। अच्छा, इसकी जो फिटिंग है ना जी, इसकी फिटिंग ये है, आपको मैं आपको ये देखें, इसकी जो फिटिंग है ना ये बिल्कुल ब्रास का पाइप है, ये इसका ब्रास है, ये ब्रास लगा हुआ ब्रास है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल ब्रास है इसके। अब दूसरी कंपनियां भी वहाँ पे PN25 लिखा होता है, ये भी PN25 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड में इसकी थिकनेस ये है ठीक है, PN25 की स्टैंडर्ड की। और अक्सर हमने पाइप ऐसे देखे हैं कि जो ये आप थिकनेस जो दिखा रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की थिकनेस लग रही है, लेकिन अगर हमने ऐसे पाइप भी देखे होते हैं कि जो जिसकी थिकनेस बिल्कुल बारीक होती है और कलर भी थोड़े चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, शायद डिफरेंट डिफरेंट कंपनी चल रहे हैं मार्केट में सालों को। हम चाहते हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जी जी, जो भी घर बनाए ना सोच समझ के बनाए, ये नहीं है कि जो प्लम्बर कह रहे हैं प्लम्बरों ने उनकी एक जगह पे सेटिंग होती है वो वहाँ पे चले जाते हैं। हम लोग यही चीज़ हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं भाई, खुदा के वास्ते जो अपना घर बना रहे हैं ना, अगर घर बना रहे हैं ना तो आप जैसे आप किचन का सामान खुद खरीदते हैं, बिल्कुल टाइल खुद खरीदते हैं जी जी, सरामिक खुद खरीदते हैं बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का सामान और प्लम्बिंग का सामान ये खुद जाके खरीदें, ये इसी सामान ने बिल्डिंग की लाइफ बनानी है। ये तो आपकी घर की बिल्डिंग है ना, आपको डैमेज करेगा अभी यही आपकी, ये भी देखे ना कि हम जब बिल्डिंग हमने बनानी होती है तो हमने लाखों रुपए यानी एक तरह की पूरी जिंदगी जो जमा पूंजी होती है हमने एक बिल्डिंग पे लगानी है। अगर वो उसमें हम कहीं से पैसे बचाएंगे या नाकस सामान लगाएंगे तो हमारी बिल्डिंग का नुकसान होगा। ये देखिए, ये हमारे पास ना 63 mm तक की फिटिंग मौजूद है इस टाइम जी, पूरी इसकी ठीक है, कंपनी ने 100 साल वारंटी दी है ठीक है, आपको मैं वहाँ पे इसके कंपनी कहती है 100 साल इसकी वारंटी है ठीक है, नेप्रो भी और अक्वा दोनों हैं इसके। गेट वाल उधर पड़े हुए, इसके गेट वाल देखे, लाइफ टाइम वारंटी, ये देखे, ये देखे, ये जरा दिखाएं सारी, ये सारा जितनी भी फिटिंग है, ये सारी जो है ना, ये सारी है उसकी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज़बरदस्त चीज़ है ये वाली। और बिल्डिंग की मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्डिंग बनाते वक्त किसी चीज़ में आप इसमें पैसे बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लाइफ टाइम आपने रहना है इसमें। हम लोग ये कहते हैं कि इसमें पैसा मत बचाएं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई ठेकेदार लेगा ना जी जी, अगर खुद मालिक जाके लेगा ना बिल्कुल, मैं 100% कहता हूँ कि उसकी बचत हो। ये आप देखिए, ये नेप्रो की है, ये सारा ये नेप्रो का माल है। अच्छा, इसकी क्वालिटी कैसी है? ये A1 क्वालिटी है।
नेप्रो गया, ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी है नेप्रो की। यानी ये जो एल्बोज हैं ये लगते हैं नीचे सेवरेज के, जो वो नीचे हम जी जी ये सारी ये इंडोर 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 अंडरग्राउंड जो भी आती है, हाँ ये जो है ना उनकी फिटिंग है नेप्रो की। और अच्छा ये महंगी है थोड़ी सी, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने कराची से ये देखे, ये ठीक है। अच्छा इनकी एक ये होती है, इनका ये होता है कि इसकी ना उन्होंने ये उसकी ये फ्लो बनाई हुई है जी जी, ये पानी की रुकावट नहीं होती है, पानी बाके हाँ जी बस। हाँ डिजाइन इस तरह से डिजाइन इन्होंने की हुई है, ये असल में ये नेप्रो है ना जर्मन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सारी जिंदगी सऊदी अरेबिया में नेप्रो अबलाको जी जी ये चीज़ें वहाँ पे लगाते हैं, वही हमने यहाँ पे आके क्वालिटी देने क्वालिटी करने की दी। अच्छा अब क्या है, हमने अब कराची से माल मंगवाया है अबलाको, ठीक है, इससे भी स्ट्रेंथ में 100% अच्छा है और प्राइस 50% कम है। जबरदस्त, अब जाहिर है अब एक आदमी गरीब आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम लोग क्या जो भी जिसने दो कनाल का घर बनाया, एक घर का बनाना है, एक कनाल का बनाना है, तो हम लोग कहते हैं भाई ठीक है ये लेना ये ले लें। जबरदस्त जबरदस्त, यानी प्योर क्वालिटी की पहचान जो है ये आपको हो चुकी है कि ये कितनी प्योर क्वालिटी है। इसको हमने दो दफ़ा नहीं तीन दफ़ा इसे मारा नीचे, ये दोबारा देखिए, मैं इसको नीचे फेंक सकता हूँ। हाँ, जबरदस्त यार, ये कोई जांच का वो नहीं है, तरीका नहीं है जी जी। देखिए मुसीबत ये, यहाँ पे प्लम्बर कहते हैं भी आपका पाइप कितने किलो है, अच्छा आपका ये ओरिजिनल कितना है, हालांकि ये चीजें इसको टेस्ट नहीं है, सही इसकी लेबोरेटरी टेस्ट होती है, लेबोरेटरी बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक समझाने की बात, आम बंदे को समझाने के लिए होता है ये। अब ये देखिए, अभी ये जो नीचे पाइप है ये वाला पाइप है, ये देखिए ये देखिए क्लोज करके दिखाएं जरा, ये देखिए 3 इंच का पाइप है, ये देखो मैं मेरी 100 किलोग्राम वजन है, ये देखिए ये अगर ये देखिए इस पाइप को कुछ भी नहीं हो रहा, अगर ये प्योर ना होता ये इसने कड़क जाना टूट जाना था। ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो घर का पी ट्रैप है, ताकि घर के अंदर स्मेल ना आए, पी ट्रैप अच्छी क्वालिटी का ले, पी ट्रैप आपको वो होना चाहिए जिसका लेवल सही है और जो अच्छी क्वालिटी का पी ट्रैप है ना, ताकि घर के अंदर स्मेल ना जाए, यानी पूरी बिल्डिंग का जो कह रहे हैं इंतजार होता है वो हमारे इस पी ट्रैप स्मेल जो लोकल होते हैं ना उनका लेवल सही नहीं होता है। ये चीज़ें जो है ना ये हम लोगों ने खसूसी तौर पर हमने ये इन्होंने कहा, हमारी कंपनी वालों ने, नेप्रो वालों ने और अकवा वालों ने बनाए हैं, ये स्पेशल बनाए हैं और बेहतरीन किस्म के हैं, प्राइस भी लोकल के बराबर है, लोकल भी मार्केट में जितने का बिक रहा है वो ये भी वो इतने का बिक रहा अच्छा है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 450 रुपये का है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में और प्राइस बिल्कुल मार्केट के बराबर है। मार्केट लोकल के बराबर है, लोकल के बराबर है, ये सेवरेज के पाइप हैं, ये भी थोड़े ये हम लोग मंगवा रहे हैं गुदून इंडस्ट्री वाटर टेक कंपनी का है, वाटर टैक के ये पाइप है, यानी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये प्योर मटेरियल है, जो आपने ये तोड़ के दिखाई है यही पाइप है, ये वही है, वहीं से मैंने यही से उठाया ना जी, बिल्कुल ये जो चीज़ है ना ये चीज़ मैं देख रहा था, ये बिल्कुल वही चीज़ है, सऊदीया में हम लोग भी काम करवाते रहे हैं, ठीक है, उसमें यही क्वालिटी इस्तेमाल होती है। इनको 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 जो घरे होता है ना ये आउटडोर लगाते हैं, ये ज़्यादा प्योर होता है, बिल्कुल उसकी रेशियो में जो उनकी लेबोरेटरी टेस्ट होता है ना ये लगाए जाते हैं ज़्यादातर आउटडोर में मेन सेवरेज लाइन जैसे मेन सेवरेज या जो ये हैं, ठीक है, यानी घर के बाहर जो भी वो थोड़े से महंगे हैं, ये ज़रा सस्ते हैं, बस फ़र्क कितना ही है प्राइस का, ठीक है। तो इसमें अच्छा इसमें जो ये हमारे पास जो वाइट पाइप है ये यानी हमने अंडरग्राउंड लगाना है तो इसमें यानी साइज़ कौन से अवेलेबल है आपके पास? 1.25 इंच 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच ये 1.25 का है, यानी इधर से रख ये इलेक्ट्रिक पाइप है। अच्छा ये वैसे मिक्स होकर पड़े हुए जो कुछ वापस ये जो पाइप ये वाला कौन सा? ये 1 इंच का है इलेक्ट्रिक पाइप। अच्छा ये इलेक्ट्रिक पाइप है, ये 1.25 का है, ये 1.25 का आ गया, ये भी 1.25 का है, दो का इधर पड़ा हुआ, ये दो का है। अच्छा ये 2 इंच पाइप है, इसके बाद 3 इंच ये वाला 3 इंच में आ गया, 3 इंच आ गया, ये 4 इंच में आ गया, 3 इंच ये बड़ा 4 इंच। अच्छा 4 इंच के बाद 5 इंच भी होता है, 5 इंच भी है, ये देखिए ये 5 इंच पड़ा हुआ है, ये साथ में हाँ ये 5 इंच पड़ा हुआ है, ये और ये 6 इंच पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जो हमारे अमूमन वाशरूम में देखा जाता है कि वाशरूम के नीचे वाली साइड पर जो हम वायरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पाइप कौन सा यूज़ होता है, 3 इंच का या 4 इंच का होता है? कोशिश करें 4 इंच का करें,
प्लम्बर क्या करते हैं, 3 इंच कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे कई दफा 3 इंच का मेरी निगाह में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 28 साल इलेक्ट्रो मैकेनिक का सऊदीया में काम किया है। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। बिल्कुल, इसका 3 इंच का पाइप जो होता है ना, 3 इंच का पाइप, वो अगर एक छोटा मोटा कोई होता है ना वॉशरूम, जी जी, उसमें तो चलो छोटे वॉशरूम में तो लगा ले, इशू नहीं है। जी जी, लेकिन क्योंकि जिससे अंदर यूज ज्यादा है ना, जी जी, यूजिंग ज्यादा है, 4 इंच ही लगाना चाहिए। यानी वॉशरूम अगर बड़ा हो, जिसमें कह लें कि हमारे पास अगर बाथटब भी आता है उसमें कम WC भी आता है, 4 इंच बेस्ट है। बाथटब की 2 इंच उसकी जानी होती है, आउटलेट होती है, तो उसको लिंक 4 इंच में करते हैं। बिल्कुल, ये 4 इंच का होना, 4 इंच का चाहिए। ठीक, अच्छा, जो हम दीवारों में हम ऊपर से पाइप नीचे लेके आते हैं तो वो भी 4 इंच का या उससे बड़ा होना चाहिए? नहीं, वो 4 इंच होना चाहिए, 3 इंच भी चल सकता है, लेकिन बारिशें आजकल ज्यादा हो रही हैं, इसलिए 3 इंच 4 इंच में फर्क। फिर मजे की बात ये है कि दूसरी कंपनियों से हमारे पाइप सस्ते हैं। ठीक है, काफ़ी सस्ते हैं। सही, कम अज़ कम 4 इंच के पाइप में उनसे म्यार में हमारा पाइप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छा है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल हैं, हम लोग सामान ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। जी जी बिल्कुल, आप तो खुद भी इंजीनियर हैं, इस चीज़ की मालूम रखते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारे पास 4 इंच का पाइप है, ये किस कंपनी का आपने बताया था? ये वाटर टैक, ये गदून इंडस्ट्रियल एरिया है। हम लोग क्यों लाते हैं वहाँ से? जी जी, गरीब आदमी भी परचेज कर ले। ठीक है, इसकी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपने नाम का पैसा कमा रही हैं। जी जी, इसलिए करके वो क्वालिटी बाद में लो कर देंगे। उनकी ए मीडियम है, उसके बाद कंड्यूट है, उसके बाद विक्टर है, उसके बाद कोई और है और ऐसे हैं, 4-5 ब्रांड है, नहीं हमारा एक ही ब्रांड है, हमारे पास एक ही मीडियम पाइप है बस। सही, अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो जो 4 इंच का जो पाइप ये वाला बता रहे थे, इसकी क्या प्राइस वगैरह जो लो से लो? हम लोग इस टाइम जो 4 इंच का पाइप है ना जी, मीडियम है, SDR 41, स्पेशल डायमेंशन रेशियो जो है ना, जी जी, ये 41 का जो पाइप है ना, मतलब एक दूसरी कंपनी का है वो 3200 रुपए का है। ठीक है, हम ये दे रहे हैं 2450 रुपए का। ठीक है, 4 इंच का पाइप, 4 इंच का 2450। अच्छा, टोटल लेंथ की बात करें तो 13 फुट सब पाकिस्तान में स्टैंडर्ड 13, कराची में 20 फुट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है 13, मतलब अगर मीटरों में लेके जाए तो ये 4 मीटर बने, 4 मीटर तकरीबन 4 मीटर बने, 4 मीटर बने। ठीक है, तो और जो 3 इंच का पाइप है वाटर टीक का, वो हम लोग तकरीबन 1700 के दे रहे हैं, 1650 से 1700 रुपये तक दे रहे हैं। ठीक है, ये 2400 से 2450 से 2400 तक इतना। ठीक है, हाँ बस ये है। और यानी ये तीन इंच का, 3 इंच का। ठीक, यानी ज़्यादातर तो बिल्डिंग लाइन में 3 इंच या 4 इंच ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेवरेज जो है ना, 5 माने सेवरेज भी आदमी कोशिश करे 6 इंच ही डाले, मेन लाइन सेवरेज 5 इंच डाल देते हैं पैसा बचाने के लिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फ्लो ज़्यादा, क्योंकि जब बारिशें होती हैं ना तो उसके अंदर फ्लो ज़्यादा हो जाता है पानी का। बिल्कुल, कोशिश करें 5-6 इंच में होता है, 5 इंच में अगर कोई 1-2 वाशरूम है तो वो चल जाते हैं। सही, जिसके 4-5 वाशरूम है ना तो वो 6 इंच का ही डालें। ठीक है, कोशिश करें 6 इंच का डालें। सही, तो अच्छा जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इनके लिए कोई पैगाम या इनके लिए कोई स्पेशल ऑफर, यानी अगर वो आपको यानी नीचे आपके नीचे का नंबर नीचे मेंशन होगा तो आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन हम लोग जो है ना वो हमें कॉल करें। जी जी, हम लोग जाएंगे, उनको सैंपल दिखाएंगे। ठीक है, पाकपतन में भी। ठीक है, सैंपल दिखाएंगे। ठीक है, वो पास करते हैं, प्राइस हम देंगे। जी जी, उसके बाद हम उनको जना सा बिना हम उनको सामान जो है ना फर्स्ट डिलीवरी है जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो हम लोग पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन कस्टमर आता है तो यानी अगर हमारी वीडियो देख के आपसे कोई किसी पाकिस्तान के किसी भी शहर से रब्ता करता है हम लोग उनको उनके साथ कैसी डिलीवरी होगी? वो अगर तो लेते हैं सामान फॉर एग्जांपल कि पूरे घर का लेते हैं, दोनों PPRC और ये UPVC लेते हैं। जी जी, फिर हम लोग उनको ना फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा लाहौर में जा रहा है, एक बहुत बड़ा विला बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। जी जी, तो हम लोग यहाँ पे लाहौर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान पहुँचा रहे हैं।